अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं, एक तो अपने रिजल्ट के हवाले से जो है वो उसकी डेट भी फाइनल पूछी है कि सर वो कब हमारा रिजल्ट आ रहा है और सर रिजल्ट ज़रा कैसा आ रहा है, क्योंकि टेंथ का रिजल्ट जो है वो अच्छा आया है या बुरा, थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात करें और हमें भी थोड़ा सा बताएं कि हमारा रिज़ल्ट किस तरीके से आएगा, किस तरीके का हमारा रिज़ल्ट बनाया जाएगा, पासिंग उसके अंदर रेशो क्या है, पासिंग मार्क्स क्या हैं। सबसे पहले अगर मैं रिज़ल्ट के हवाले से बात करूं तो जो 9th क्लास है उसका इंशाल्लाह ताला जो रिज़ल्ट है वो 22 अगस्त को आने वाला है, जबकि अगर मैं फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की बात करूँ तो वह इंशाल्लाह ताला 10 अक्टूबर को आने वाला है। अब अगर मैं इसमें पासिंग मार्क्स की बात करूं तो डेफिनेटली आप लोगों के पासिंग मार्क्स 33% हैं, 40% नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये भी है कि अगर एक बच्चा मुझसे ये भी पूछ रहा था कि सर मेरे ना बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो बहुत अच्छे हुए हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट में ना मुझे डाउट है कि मैं उसमें सैपली आ जाएगी मेरी, तो क्या उसमें वो मुझे मार्क्स दे के खुद से पास कर देंगे? बेटा ऐसे तो नहीं होता। अगर तो आपके 2 या 3 नंबर कम हुए फिर तो वो आपको दे के वो पास कर देंगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कम हुए तो फिर डेफिनेटली आपको सैपली आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छे दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।